हेलो फ्रेंड्स दिस इज आँचल नायक वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है बट मैम मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको अटेम्प्ट करने में कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ग्रामर रूल्स जो आपने पढ़ाए हैं जो हमने पढ़े हैं वो सब कुछ आता है बट प्रॉब्लम क्या है सिर्फ एक चीज की कि जब एग्जाम में जाते हैं तो यही चीज़ फॉलो क्यों नहीं हो पाती जब एग्जाम में जाते हैं तो ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आंसर हो पाते हमें अगर कोई इसका आंसर बता देगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि यही लॉजिक था लेकिन ये लॉजिक तो मुझे पता था लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया द प्रॉब्लम हियर इज कि सबसे पहले जब हमने स्पीच को शुरू किया तो हमने सबसे पहले बोला इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो तो सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझ ही नहीं पाओगे लेकिन लैंग्वेज आज सपोज करो मुझे हिंदी आती है इंग्लिश आती है ठीक है मेरे से कोई बोलता है मैम जर्मनी बोल के दिखाना जर्मन लैंग्वेज बोल बोल के दिखाना मेरे से कोई बोलता है फ्रांस चली जाओ फ्रेंच में बात करना कैसे पॉसिबल है क्योंकि वो एक भाषा है एक कम्युनिकेशन का जरिया है अगर हमें वो आता ही नहीं होगा तो कोई भी मेरे सामने आके कुछ भी बड़बड़ 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 बड़ बड़ करता बढ़ चले जाए मुझे कैसे पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम दोनों कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं नहीं पता चलेगा क्यों क्योंकि लैंग्वेज को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीजें किस किस तरह से यूज करी जाती है ठीक है भूख को हंगर कहते हैं जब तक यही नहीं पता चले जाए चलेगा तो ये कैसे बोलोगे कि सेंटेंस मुझे भूख लगी है है ना आपको पता है मुझे भूख लगी है मैं से मुझे पता था आय है पता था एम लेकिन क्या एम क्या आई एम क्या आई एम हंगरी तो वो जब हंगरी वर्ड हंगर वर्ड का ही पता नहीं चला तो कैसे होगा है ना सो so, सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश प्रिपरेशन का बेस्ट फॉर्मूला इसमें क्या चीज़ें हैं जो अभी हम कंसिडर करने वाले हैं आइए जरा देखते हैं क्या चीज़ें जरूरी होती हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपके एग्जामिनेशन में आपको कवर कराने के लिए जो कि हमें एक स्टेप क्लोजर लेके जाएगी आपके एग्जामिनेशन में अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं आई कैन अश्योर यू आपके एग्जामिनेशन आते तक आप बिल्कुल भी अनश्योर नहीं होगे किसी भी चीज के लिए ठीक है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज का ध्यान रखें अभी एस बी आई पीओ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को हम खास टारगेट करके चल रहे हैं इसलिए खास टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये समय समझो है ना लोग अक्सर ये कहते हैं कि अभी तो कोई नोटिफिकेशन uh, नहीं है तो क्या अभी प्रिपरेशन करूं लोग अक्सर कहते हैं कि अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी यार वो आएगी मुझे पता है अगस्त में तो तभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे आई एम सॉरी अगर आप इस तरह का सोच रखते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में एक बैरियर अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं अपनी सक्सेस जर्नी में एक बैरियर अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल है ना जब कभी भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आए आपको इतना ध्यान देना है कि मैं उसको उस एग्जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हूं जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही मैं उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत सारे मॉक्स लगाऊंगा बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा और फिर मेरे एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा लेकिन ये नोटिफिकेशन के बाद का रिवीजन तभी तो कर पाओगे जब नोटिफिकेशन से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओ है ना तो अगर हम एस बी आई को टारगेट कर रहे हैं तो उससे पहले सबसे जरूरी बात हम आपको बता दें ये जो आप पढ़ने वाले हो, ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी आप एस बी आई पी ओ की तैयारी ऑगस्ट तक कर लो ठीक है जब आप एस बी आई पी ओ प्री का एग्जाम दे रहे होगे उसके बाद आप मेंस की तैयारी करने जाओगे लेकिन जब तक एस बी आई मेन्स आएगा तब तक आईबीपीएस पीओ प्री आ जाएगा जब इसकी प्री को क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट मेन्स होगा आई बी का भी मेंस आ जाएगा एस बी का भी मेंस आ जाएगा क्लर्क की नोटिफिकेशंस भी आपके सामने होगी उस समय ऐसे लगेगा कि यार मेरे को काश मैंने वो समय यूटिलाइज कर लिया होता काश मेरे को कोई गाइडेंस देने वाला होता कि वो समय कितना क्रूशियल है मेरे लिए वो समय कितना जरूरी था मेरे लिए कि मैं तब से प्रिपरेशन शुरू करता तो मैं अब नॉर्मली अपनी रिविजन के साथ जा सकता था लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ अभी तो बिल्कुल लेट नहीं हुआ हम अभी से शुरुआत करने जा रहे हैं आपको पता है अचीवर्स बैच वैसे भी ट्वेंटी फिफ्थ से आ रहा है, हम अभी से शुरुआत करने जा रहे हैं एग्जाम से पहले तक हमारा सारा का सारा या नोटिफिकेशन से भी पहले तक हम तो कह रहे हैं हमारा सारा का सारा डिस्कशन हो चुका होगा हमारी क्लासेस हो चुकी होंगी हमारे अंडरस्टैंडिंग uh, डेवलप हो जाएगी डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में अलग अलग लेवल के बारे में और उसी को हमें फोकस करते हुए आगे अपनी प्रिपरेशन में लेकर आना है ठीक है तो आइए ज़रा इसके बारे में एक एक करके देखते हैं सबसे पहली चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए उस टारगेट के ऊपर जो हम करने जा रहे हैं ऑफ कोर्स हमारा टारगेट एसबीआई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सिलेक्शन लेना है तो वो टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए मेरा एग्जाम अगर ऑगस्ट में आ जाता है तो मैं क्या उससे पहले अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लूंगा कोर्स छह महीने का समय चाहिए होता है आपको छह महीने का समय चाहिए होता है एग्जाम तक अभी आपके पास है अभी समय खत्म नहीं हुआ है ना है ना तो देर फॉर हमारे पास क्या है फोकस ऑन योर टारगेट अपने टारगेट को फोकस करो जितना समय है उसको यूटिलाइज करना है कैसे यूटिलाइज करना है एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे डील करना है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद बेसिक टू एडवांस पैटर्न में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं एंड अफकोर्स प्रैक्टिस ये लास्ट वाला पॉइंट इतना ही उतना ही जरूरी है जितना आपका पूरी जर्नी है क्योंकि अगर सारे फॉर्मूला इक्वेशन, रूल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ याद कर लिया सब कुछ आ गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी उसके लिए तो क्या ही कर लोगे फिर है ना क्या ही कर पाएंगे हम अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो तो हमें यह देखना है कि एग्जाम आने से पहले हम अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सही ढंग से रखें ताकि एग्जामिनेशन में हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो तो ये चलिए चलते हैं इसके साथ और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं ओके गाइज सो so, सबसे पहला जैसे कि मैंने आपसे कहा सबसे पहला हमारी क्या कंसिडरेशन है सबसे पहली कंसिडरेशन है फोकस ऑन योर टारगेट हमारा टारगेट बहुत क्लियरली फिक्स हो चुका है क्या कि हमें टारगेट करना है अभी एस बी आई पी ओ को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हमें पता है इसके एग्जामिनेशन जो हैं वो अगस्त सेप्टेंबर में हो जाएंगे और नवम्बर के अराउंड अक्टूबर एंड या नवम्बर के अराउंड इसके मेन्स के एग्जामिनेशन होंगे ठीक है अगर ये टारगेट हमारा सेट है हमारे पास अभी मार्च चल रहा है हमारे पास है टाइम अप्रैल का मे जून जुलाई और अगस्त, ठीक है इसको अगर हम टारगेट करें तो सीधा साफ बात समझना क्या कि अप्रैल और मई जितना बेसिक नॉलेज आप ले सकते हो वो सब ले लो आई नो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बेसिक नॉलेज में मैम मेरे को बहुत बोर होता है बेसिक नॉलेज में मेरा मन नहीं लगता है मैं नहीं पढ़ पाता हूँ बेसिक नॉलेज में ऐसा प्रॉब्लम आती है कि मैं पढ़ने तो बैठता हूँ लेकिन मेरा दिमाग कहीं और इधर उधर होने लगता है इसलिए मैं नहीं पढ़ता बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आगे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं समझ पाओगे बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था ना एक छोटा सा स्टेटमेंट है मुझे भूख लगी है लेकिन भूख का ट्रांसलेशन ही नहीं पता है तो कैसे वो स्टेटमेंट बनेगा है ना तो जितना बेसिक नॉलेज है आपको पहले दो महीनों में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको फोकस करना है अब इसमें क्या मतलब होता है जितने आपके रूल्स हैं रूल्स आप कवर कर लो जो रूल्स के साथ प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस इंडिविजुअल चैप्टर बेस्ड ठीक है इंडिविजुअल चैप्टर बेस्ड जो आपकी टॉपिक होगा उसको आपको फोकस करना है बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार मैं सारे रूल्स पढ़ लेता हूँ एक साथ और सारे रूल्स पढ़ने के बाद मैं एक साथ प्रैक्टिस कर लूंगा पूरा एरर डिटेक्शन पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट आई एम सॉरी यू कान डू दैट और करने की कोशिश भी कर लो लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमारे लिए क्या जरूरी है हमारे लिए जरूरी है रूल्स का याद करना नहीं हमारे लिए ज़रूरी है उन रूल्स की एप्लीकेशन हमसे हो पा रही है या नहीं वो प्रॉब्लम का सल्यूशन हमको मिल पा रहा है कि नहीं है ना जब कोई एरर मेरे सामने आ रही है तो वो एरर पहचान नहीं पा रहे हैं क्या नहीं वो तब होगा जब आपने रूल्स को याद नहीं रूल्स रूल्स को गो थ्रू किया है फिर रूल्स को आपने अंडरस्टैंड किया है आपने रूल्स को समझा है आप इससे सारी चीज़ें कंसिडर कर चुके हो उसके बाद आपने देखा कि उसे कैसे लगाया जाएगा उसका एप्लीकेशन कैसे होगा तो अगर ये नहीं हुआ ना तो ये प्रॉब्लम हो करेगा ठीक है अप्रैल मई में जब आपने अपनी बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट आपका जो स्टेप आना चाहिए दैट विल बी जून जुलाई जून जुलाई में आप कर रहे होंगे बहुत सारे क्विजेस सॉल्व, जो कि इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड होंगे है ना प्लस आप कर रहे होंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व ठीक है पेपर्स सॉल्व अगेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह रहे हैं मतलब एरर डिटेक्शन उठाया तो एक साथ 200 250 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट उठाया एक साथ 200 250 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलर्स हो गए ऐसे आपके मैथ्स मैथ कॉलम हो गया स्टार्टर्स हो गए कनेक्टर्स हो गए प्री फोकस कर रहे हो प्री के लिए अभी पहले प्रिपरेशन करो है ना फिर उसके बाद आती है आपकी अगस्त की अगस्त में आप सिर्फ जिस ये मंथ होता है आपके एग्जामिनेशन का है ना तो सिर्फ मार्क्स देंगे सिर्फ मार्क्स देंगे सिर्फ मार्क्स देंगे इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड मार्क्स देंगे टॉपिक एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट बेस्ड मार्क्स देंगे कंपोजिट मार्क्स देंगे जिसमें एक एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वैसे मार्क्स देंगे ठीक है तो आपको अपने टारगेट को फोकस करके अपने टाइम को इसी तरह से बांधना है इसी तरह से समझना है कि यह काम भैया मेरे लिए बहुत जरूरी है ठीक है टारगेट फोकस करो और उस तरह से अपने स्केड्यूल को बनाकर उसी तरह से इस पर काम करने के लिए लग जाओ विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है आइए यह तो हमारा पहला स्टेप था समझ में आ गया ठीक है दूसरा स्टेप है हमारा ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन बेटा अगर आपने अपना टारगेट तो सेट कर लिया है ना हम प्रैक्टिस करना भी शुरू करेंगे या फिर हम सबसे पहला स्टेप जो हमारा था ये काम करना कि हम एस बी आई पी ओ का बेसिक uh, नॉलेज लेंगे तो बेसिक नॉलेज तो तब आ पाएगी ना जब हमें पता होगा कि क्या करना है है ना तो एग्जामिनेशन का सबसे पहले देख लो कि आपके फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन कितने हैं जैसे अगर एस बी आई पी ओ की बात करें तो हमारा फर्स्ट फेज आता है जिसमें हम प्रिलियम्स की तैयारी करते हैं है ना हमारा दूसरा फेज आता है जिसमें हम मेंस की तैयारी करते हैं मेंस के साथ साथ हमें एक चीज और प्रिपेयर करनी होती है एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव और लास्ट स्टेज होता है जो कि जीडीपीआई का स्टेज होता है तो ग्रुप डिस्कशन हमारे एसबीआई पी में तो होता ही होता है इसलिए यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा ठीक है देखो जीडीपीआई पर्सनल इंटरव्यू की बात करें जीडी की बात करें रूप डिस्कशन की बात करें यहां पर आपका पर्सनालिटी जजमेंट होती है आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है बिकॉज आपको सामने बुलाकर आपसे बहुत सारी चीजें चेक कर रही हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक किया जा रहा है आप कैसे डील कर रहे हो इन सब को चेक किया जा रहा है आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये सब चीजें चेक हो रही हैं लेकिन जब हम प्रिलियम्स और मेन्स और डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो इसमें आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कौन सा सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ठीक है इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजों की जरूरत है सबसे पहला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर रूल्स आना चाहिए यह नहीं कह रहे हैं कि आपको रूल्स याद करने हैं रूल्स रटने आपको पढ़ाना नहीं है जो आप रूल्स रटेंगे है ना सबसे जरूरी चीज है आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए तभी हमने कहा कि जैसे नाउन पढ़ लिया तो नाउन से रिलेटेड कम से कम सत्तर अस्सी क्वेश्चन सॉल्व कर डालो प्रोनाउन पढ़ लिया उसी से रिलेटेड सत्तर सॉल्व कर डालो एडजेक्टिव पड़ा उससे सत्तर अस्सी क्वेश्चन सॉल्व कर डालो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इसलिए क्योंकि जो हम रूल्स याद कर लेते हैं उनका याद करने का कोई महत्व होता नहीं एक्चुअली जब तक हमें यह ना समझ में आए कि उस रूल से क्वेश्चन कैसे बनेगा है ना तो हमें उन रूल्स को प्रैक्टिस करना है उनकी एप्लीकेशन को सीखना है सबसे जरूरी चीज एप्लीकेशन को सीखना है तो ग्रामर रूल्स की एप्लीकेशन सिर्फ तभी सीख पाओगे जब हर एक टॉपिक से रिलेटेड 70 टू 80 क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम ईच टॉपिक से ईच टॉपिक से है ना अब ये कहां से मिलेंगे इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि अगर आप क्लास में आते हो तो वैसे भी आपको आ, एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम पचास क्वेश्चन तो करेंगे एक जैसे नाउन है तो नाउन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, है ना <coughs> पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में तीसरे पार्ट में तीसरे पार्ट में हम आपको बीस पच्चीस क्वेश्चन क्लास में देने वाले हैं है ना उसके अलावा हर तीन सेशन में आपको हर सेशन के बाद दस क्वेश्चन दस क्वेश्चन दस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे सो बेसिकली यहाँ से तीस क्वेश्चन और मैंने जो दिया आपको बीस पच्चीस क्वेश्चन वो सब मिलाओगे फिफ्टी ट्वेंटी फाइव तो ही हो जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी फाइव तो वैसे ही हो जाएंगे प्लस आप गूगल पे टाइप करेंगे एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ आपको दुनिया भर के लिंक्स मिल जाएंगे हर एक लिंक में पंद्रह पंद्रह बीस बीस क्वेश्चन होते हैं बेटा अगर आप पांच लिंक भी ओपन कर लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा ठीक है उससे आपको वो एप्लीकेशन हो जाएगी जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको ग्रामर में नहीं हेल्प करने वाली ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको आप मत सोचना कि ये सिर्फ आपको एरर डिटेक्शन में ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही हेल्प करेगी नहीं ग्रामर के अलावा जो क्वेश्चन हैं जैसे फिलर बेस्ड क्लोज टेस्ट मैच द कॉलम वर्ड स्वाप वर्ड इम्प्रूवमेंट ये सब क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्प करती है समझ में आई बात ठीक है कौन सा वर्ड किसके बार लगेगा कैसे लगाना है वर्ड रीअरेंजमेंट इसमें भी हेल्प करती है प्लस आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है अगर इसमें ग्रामर एरर्स हुई स्पेलिंग एरर्स हुए तो भी आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे है ना और इसमें क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें नहीं हुए तो आपका मेंस का पेपर चेक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना सो ग्रामर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो लोग कहते हैं ग्रामर पाँच नंबर की आती दस नंबर की आती है अवॉइड कर दो बिल्कुल भी नहीं अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसका पेपर चेक होने का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है हमने एक बार नहीं आपको हजारों बार ये प्रूव किया है कि वो फिलर में भी हेल्प कर रही है क्लोस्टर्स में भी कर रही है वर्ड रीअरेंजमेंट में भी कर रही है वर्ड स्वॉप में भी कर रही है वर्ड यूसेज में भी कर रही है सो डेफिनेटली इज इट इज इंपॉर्टेंट उसके अलावा एक हमारी जो कंडीशन है वो है रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है ना रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा और ऐसा क्यों इसे करने का एक रीज़न है अगर आप देखो न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हो तो समझो आप सिर्फ इंग्लिश प्रिपेयर नहीं कर रहे अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपका जीए भी प्रिपेयर हो रहा है प्लस पॉइंट आपको पता होगा कि जो भी नॉलेज हमको जो भी इंफॉर्मेशन हमको सीटिंग अरेंजमेंट में पज़ल में मिलती है, है ना जो भी इंफॉर्मेशन हमको डीआई में मिलती है अगर हम उस सेंटेंस का मतलब ही ना समझ पाए तो इमीडिएट नेक्स्ट में कहा बैठाओगे बिल्कुल बगल में कि आगे बैठाओगे हमको क्या पता सिर्फ नेक्स्ट लिखा हुआ है बगल में बैठाना है कि आगे बैठाना है हमें नहीं पता है ना तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी रीडिंग स्किल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बेहतर हो जाती है तो आपको डीआई में पजल में सीटिंग अरेंजमेंट में में और इंग्लिश में तो हेल्प मिल ही रही है चाहे वो क्लोजेस्ट हो चाहे वो रीअरेंजमेंट हो चाहे वो आपके स्टार्टर्स के क्वेश्चन हो चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो है ना सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें ये कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है ये ठीक है कैसे करना है जब कभी भी आप अपना एडिटोरियल सेक्शन ओपन करोगे पेज पेपर का तो आपको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड मिलता है जनरली द हिंदू का अगर हम रेफर करें तो द हिंदू का पेपर ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अब इस तरह पहला पेपर ऐसा होता है और दूसरा पेपर काइंड ऑफ ऐसा होता है कभी कभी यहां पे भी एक आर्टिकल आ जाता है ठीक है इस पार्ट को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दो ठीक है इस पार्ट को भी इग्नोर कर दो क्योंकि ये लेटर टू एडिटर होता है अगर ये आपको मदद करेगा तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेटर राइटिंग में मदद कर देगा ये पार्ट ये वाला जो पैराग्राफ होता है ये बहुत लंबा है ये वाला पैराग्राफ भी बहुत लंबा है ठीक है उसके अलावा आपके पास एक आर्टिकल ये है एक आर्टिकल ये है एक आर्टिकल ये है हम कह रहे हैं मत करो इतने बड़े लंबे लंबे आर्टिकल पहले सॉल्व एक आप ये आर्टिकल सेलेक्ट करो दूसरा ये आर्टिकल सेलेक्ट करो और तीसरा ये आर्टिकल सेलेक्ट करो तीनों आर्टिकल पढ़ने को नहीं कह रहे पहले क्या करना है सिलेक्ट वन आर्टिकल एक आर्टिकल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर आर्टिकल 40 से 45 लाइन का होता है ठीक है 40-45 फाइव लाइन का होता है इस 40-45 लाइंस में से आपको अगर इसे डिवाइड करना है क्या करने के लिए डिवाइड इन फोर पार्ट्स चार पार्ट्स में डिवाइड कर लो जब आपने चार पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट में आपको मिले 10 से 12 लाइंस ठीक है अब हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीएसन में क्या प्रॉब्लम आती है कि हमने पहला पार्ट जैसे ही पढ़ लिया हम दूसरा पार्ट पढ़ने लगे हम तीसरा पार्ट पढ़ने, पार पढ़ने लगे हम चौथा पार्ट पढ़ते पढ़ते ये तो समझ में आ गया लेकिन इसको भूल गए क्या दिया हुआ था है ना यही तो होता है तो यह जो प्रॉब्लम है इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं जब आप ये दस से बारह लाइन एक पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट जब ये करोगे तो इसमें से दस से पंद्रह वर्ड्स ऐसे निकाल लो जो आपको पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज करा दे हम नहीं कह रहे कि यहां पर आपको एग्जाम में भी वो वर्ड्स लिखने हैं नहीं आपको कोई नया सेंटेंस बनाना है नहीं हम कह रहे हैं सपोज करो कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है ओके द आर बी आई टुक द डिसीशन ऑफ कंट्रोलिंग द रेट द बैंक रेट द बैंक रेट कमर्शलाइज बैंक विथ टेन बेसिस पॉइंट ऐसा करके कुछ लिख दिया है ठीक है अब ये देखो एक लाइन है एक लाइन है लेकिन कितने सारे वर्ड्स हैं इसमें हमें याद करने के लिए हमें से दस से पंद्रह वर्ड चाहिए है ना हमें दस से पंद्रह वर्ड में से क्या निकालेंगे सिर्फ आरबीआई ने डिसीजन लिया है क्या कंट्रोल करेगा किसको बैंक रेट को टेन बेसिस पॉइंट से प्राइवेट कमर्शलाइज बैंक्स के लिए तो एक दो तीन चार बस इतने बड़े सेंटेंस में से हमने क्या निकाले सिर्फ चार शब्द निकाले अब ये चार शब्द हम भले ये चार शब्द हमने यहां लिखे थे हम भले अब लास्ट वाले पार्ट में ही क्यों ना चले जाएं हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और हमको याद आ जाएगा कि पहले पार्ट में क्या दिया हुआ था है कि नहीं इससे इंप्रूव होती है हमारी रिटेनिंग एबिलिटी जब ये काम आप शुरुआत में लिख लिख के करोगे ना तो उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी जब ये आपकी आदत बन जाएगी उस टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की क्योंकि उस टाइम चीजें आपके दिमाग में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये समझना कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करें ये बहुत जरूरी है हर एक एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है ठीक है सो डू दिस स्टार्ट रेगुलर हम कह रहे कुछ मत करो सिर्फ पैतालीस दिन कर लो ठीक है सिर्फ फोर्टी फाइव डेज कर लो फोर्टी फाइव डेज के बाद तुम वो खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद ने है कि मैम ये काम करता है ठीक है ओके सो दैट्स हाउ वी डू इट और फिर उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसा हमने आपसे कहा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है इससे क्यों क्योंकि आपको इससे आपके एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के एग्जामिनेशन हमने कर लिए हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पैटर्न जो तो अगर आप देखोगे ना तो कोई बेसिक पैटर्न भी आता है जैसे एरर डिटेक्शन का ही देख लो बेसिक पैटर्न आता है उसमें एक सेंटेंस को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपको बताना है कौन से वाले में एरर है तो एक ही मेरर निकलेगी फिर एक पैटर्न आता है जिसमें से एक सेंटेंस को पांच पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसमें तीन में गलती है एक में नहीं है एरर फ्री वाला बता दो कभी ऐसा होता है एक सेंटेंस है पांच पांच में डिवाइडेड है लेकिन दो में एर आपको वो दो वाले सिलेक्ट करने हैं है ना एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक पार्ट हाईलाइटेड उसमें गलती नहीं है लेकिन बाकी में किसी में भी गलती हो सकती है एक में भी हो सकती है एक से ज्यादा में भी हो सकती है वो बताना है आपको तो बेसिक से लेकर एडवांस जितने पैटर्न्स जितने आज तक आ चुके हैं एग्जामिनेशन में वो सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस बात की नॉलेज देता है ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमको न्यू पैटर्न के बारे में पता चलता है कि कब कब हमें नए पैटर्न एड हो रहे हैं कौन से एग्जामिनेशन में किस लेवल ऑफ पेपर को हम डिफर कर रहे हैं जैसे आपको पता चलेगा जब आप एनालाइज करोगे तो प्रिलियम्स में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है इसीलिए पेपर इजी आता है लेकिन जब मेंस का एग्जामिनेशन आता है तो आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है इसलिए आपके इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो प्रीवियस ईयर पेपर इस बात का आइडिया आपको देगा समझ आपको देगा एंडेर फॉर आई से प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी मॉक को सॉल्व करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर के बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ बेसिक टू एडवांस पैटर्न ऑब्वियसली आपको पता चल जाएंगे बेसिक टू एडवांस पैटर्न जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे आपको सारे पैटर्न का ऑल पैटर्न का आइडिया लग जाएगा और सारे पैटर्न का आइडिया लगने के बाद आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल पैटर्न्स के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे भी जैसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हम क्लास में भी कराएंगे अचीवर्स बैच में भी आपको ये कराने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जितने अभी एरर डिटेक्शन के पैटर्न हमने बोले ना वो सारे पैटर्न कराएंगे फिलर्स के पैटर्न बहुत सारे हैं सिंगल फिलर है डबल फिलर है ट्रिपल फिलर है सेंटेंस बेस्ड फिलर है फिलर में फिलर के साथ वर्ड इंप्रूवमेंट आ जाता है ऐसा फिलर भी आता है फिलर के साथ वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाता है ऐसा फिलर भी है सो so, बहुत सारे पैटर्न्स जो हम आपको अचीवर्स बैच में कराने वाले हैं तो वही इंडिविजुअल पैटर्न्स जो सारे के सारे पैटर्न्स होंगे इंडिविजुअल पैटर्न से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ये काम अगर आप खुद भी करने लग जाओगे ना बेटा तो भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी ठीक है तो भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी इट्स नॉट जस्ट आपकी बैच में करना है बट अगर आप इंडिविजुअली भी अपने आप भी ये करना शुरू करोगे आपको खुद को लगेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट है एंड लास्ट ऑब्वियसली इज आर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर के बाद तक में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है सो so नेक्स्ट हमारी जो स्टेप होगी वो हम पैटर्न्स जान चुके हैं है ना हम टॉपिक्स जान चुके हैं जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द वे दे आर आस्ट ये भी जान चुके हैं अब हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लगाने हैं क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी होती है नोटिफिकेशन आउट हो चुकी होती है और हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन पे मॉक्स लगा रहे होते हैं अब मॉक्स लगाने का भी ना एक तरीका होता है अक्सर लोग कहते हैं कि मॉक्स लगा लिए है ना मॉक्स में सपोज करो कितने क्वेश्चन आए प्री का अगर है तो हंड्रेड क्वेश्चन आए पूरा पेपर तो कोई सॉल्व नहीं करता है ना हंड्रेड क्वेश्चन में से आपने अटैम्प्ट किए सेवेंटी ठीक है आपने अटैम्प्ट किए सेवेंटी आप समझ रहे हो थर्टी क्वेश्चन जो है आपके वो रिमेनिंग हो गए मतलब बच गए अब ये जो थर्टी हैं हैं, क्वेश्चन होते हैं हो सकता है इसमें कोई नया पैटर्न आया था आपको समझ में नहीं आया तब नहीं समझ में आया लेकिन पैटर्न तो बहुत इजी था यार बाद में समझ में आया है ना नए पैटर्न का क्वेश्चन था हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया हो लेकिन अक्सर जब लेंदी क्वेश्चन होता है ना तो वो इजी होता है आंसर करने का

मान लो यही लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तभी भी छोड़ के आओगे फिर कैसे स्कोर करोगे जब सब कुछ छोड़ते रहोगे तो पाँच नंबर का पेपर हम छोड़ना अवॉइड कर सकते हैं पाँच नंबर का छोड़ना मतलब हम एक्सेप्ट uh, कर सकते हैं अवॉइड नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन पूरा पेपर थोड़े छोड़ के आएंगे भाई है ना तो इसीलिए ये तीस नंबर का जो क्वेश्चन है आप जो भी चाहे न्यू पैटर्न की वजह से चाहे लेंदी क्वेश्चन की वजह से आप सॉल्व करके आए हो छोड़ कर आए हो जब आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने सोल्यूशन को एनालाइज करिएगा एनालिसिस करिएगा और एनालिसिस के बाद आपको क्या करना है पूरे सौ क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करने ठीक है इस चीज का ध्यान रखना री अटेम्प्ट द मॉक मतलब पूरा का पूरा मौका आप फिर से अटैम्प्ट करेंगे जब आप ये काम करोगे ना आपको खुद रियलाइज होगा कि यार जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं मैं उनसे सीख रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है सत्तर के सत्तर क्वेश्चन आपके सही तो होंगे नहीं है ना कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ भी दिए तो इन सभी चीज़ों से हम क्या प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं क्या बेहतर कर सकते हैं क्या सीख सकते हैं हमें उसी चीज़ पे ध्यान देना है ठीक है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है जैसे आज आपने एक मॉक सॉल्व किया शा शाम को एनालिसिस करा कल सुबह उसको रीअटैम्प्ट कर दो शाम को दूसरा मौक़ दे देना फिर अगली सुबह इसको रीअटैम्प्ट कर दो शाम को तीसरा मौक दे देना सो so, ये काम जब आप करेंगे ना रेगुलरली आई एम टेलिंग यू आपको अपने अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी हम बस कह रहे हैं हम सिर्फ कह रहे हैं आप इसको एनालाइज करो आप खुद इसको अटेम्प्ट करके देखो आई टेल यू ये किसी भी हाल में आपको परेशान नहीं करेगा ड अगर आप अभी से एसबीआईन की प्रिपेरेशन शुरू की कर देते हो तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, हो, है चाहे वो आईबीपीएसरेडी सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को अभी से करना शुरू कर दीजिए जैसा हमने आपको बता दिया है क्योंकि यह बहुत क्रूशियल टाइम है बेटा ठीक है अगर इस टाइम को हमने छोड़ दिया इस टाइम को हमने स्किप कर दिया तो फिर ये डिले हो जाएगा अगर ये डिले हुआ तो फिर एग्जाम के सिलेक्शन के टाइम पर आपको ये अफेक्ट करेगा सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर गोल यू नो अबाउट योर एग्जामिनेशन यू प्रैक्टिस एंड डू व्हाट द क्वेश्चन पेपर द सिलेक्शन जर्नी रिक्वायर्स ठीक है इसी के साथ हम फिर से बता रहे हैं अचीवर्स बैच आ रहा है पच्चीस तारीख से अभी भी आपके पास समय है आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं ये इसी स्ट्रैटी के साथ हम वहां पर भी पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सो बिना अपना टाइम वेस्ट करिए मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए इससे और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए अपने इस ड्यूरेशन से जो अभी एग्जाम से पहले का हमें समय मिला है ताकि हम हाँ अपनी सिलेक्शन की जर्नी को पक्का कर सकें ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच गाइस